अस्सलाम वालेकुम मैं एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन से आप उमरा करने कैसे जा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है और कितने पैसे लगेंगे और क्या तरीकाकार है। तो एक तो ये तरीकाकार होगा, इसमें बस आपको उतने टाइम का ही वीज़ा होता है जितने टाइम का आपका ट्रैवल होता है, यानी कि बस में सात दिन का आपका ट्रैवल है तो 7 दिन का ही वीज़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर जाएंगे तो फिर आपको दोबारा वीज़ा लगाना पड़ेगा, दोबारा 170 दिनार इतने पैसे देने पड़ेंगे कम। अस्सलाम वालेकुम मैं एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन से आप उमरा करने कैसे जा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है और कितने पैसे लगेंगे और क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा, जिस कंपनी में आप काम करें, जिस जगह आप जिसके पास भी आप काम कर रहे हैं उनसे आपको एक इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा, विदाउट वीज़ा नहीं आप जा सकते, वीज़ा लगा के जा सकते हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्री है, तो ये दूसरी कंट्री है अलग अलग है, तो वीज़े के बगैर नहीं आप जा सकते। और तीसरा ये है कि तरीके का अगर बात करें कौन सा तरीकाकार है, तो एक तो ये है कि इधर से बसेस जाती है, हर जुमेरात को बस जाती है, बस का जो प्लानिंग है वो 7 दिन की होती है और उसमें मान लो कि 22 घंटे 24 घंटे तो आपके लग जाते हैं जाने जाने में और 22-24 ही आने में, यानी 2 दिन में लग जाते हैं आने जाने में। और 5 दिन का जो दूसरा होता है वो उसमें 4 दिन वो मक्का शरीफ में रखते हैं और 1 दिन मदीना शरीफ में उधर ज़ियारत वगैरह करवाते हैं, 7 दिन का उनका पैकेज होता है। और बस वो बस का जो खाना पीना वो अपना होता है, रहाइश जो है रूम वगैरह वो बस का होता है, रूम वगैरह बस की होती है, ये सब बस का होता है। और उसके बाद बात कर लें कि बस के पैकेज कितना, पैसे कितने लगते हैं, तो बस में 150 दिनार से लेके 200 दिनार 220 दिनार तक लग जाते हैं, यानी कुछ बस जो है वो 150 लेती है, कुछ 170 80 90 200 ऐसे। इसमें डिफरेंस यही है कि अगर 150 दिनार होगा तो उतना ही जो आपका रूम है वो मक्का शरीफ से थोड़ा दूर होगा, अगर 200 दिनार होगा तो रूम जो है वो मक्का शरीफ से जो है बिल्कुल करीब होगा सामने, यानी रूम का आपका डिफरेंस हो जाता है, जितने रूम आपका दूर है उतने पैसे कम है, ये चीज़ है, बाकी तो कोई नहीं है फ़र्क, यही फ़र्क होता है। तो एक तो ये तरीकाकार होगा, इसमें बस आपको उतने टाइम का ही वीज़ा होता है जितने टाइम का आपका ट्रैवल होता है, यानी कि बस में सात दिन का आपका ट्रैवल है तो 7 दिन का ही वीज़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर जाएंगे तो फिर आपको दोबारा वीज़ा लगाना पड़ेगा, दोबारा 170 दिनार इतने पैसे देने पड़ेंगे, कम नहीं होंगे, सेम ही है। और उसके बाद दूसरा एक तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा लगा के भी जा सकते हैं, इधर 1 साल का वीज़ा लगता है मल्टीपल इंट्री का वीज़ा सऊदीया का, वो 45 दिनार उसकी फ़ीस है, वैसे लीगल फ़ीस जो है, तो लेकिन जो एजेंट वगैरह लेते हैं वो 50 दिनार 55 दिनार या 60 दिनार इतने लेते हैं, ठीक है, वो उसमें आप जा सकते हैं। उसके थ्रू ऐसे है कि आप बस पे भी जा सकते हैं, यही सेम बस जो जाती है जुमेरात को, इस बस से भी जा सकते हैं अपना वीज़ा लगा के, बस वाले जो है वो 35-40 दिनार लेते हैं सिर्फ, तो आपको ले जाते हैं, वीज़ा आपका अपना होता है तो उसमें वो रूम वगैरह भी दे देते हैं, 35-40 या 50 दिनार लेंगे तो रूम वगैरह दे देते हैं और आने जाने की सर्विसेज वो दे देते हैं, तो ये होता है। उसके बाद यहाँ फिर होता है कि आप टैक्सी में भी जा सकते हैं, अपना वीज़ा लगवा के टैक्सी में जा सकते हैं, तो टैक्सी में ये कि आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, टैक्सी में फिर आपको थोड़ा फ़ायदा है कि आप 4-5 लोग जो है मिलके अगर जाएंगे तो मान लो फिर थोड़े पैसे कम आएंगे, तो टैक्सी में ये है कि आप जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है इधर बहरीन से जाएँ मक्का शरीफ मक्का में या मदीना में तो फिर तो 24 घंटे नॉर्मल लग जाते हैं, बस में तो कार में ये है कि टाइम थोड़ा कम लगेगा। और उसके बाद एक और तरीका ये है कि आप इधर से किसी टैक्सी से उधर दमाम चले जाएं, इधर से किसी टैक्सी में दमाम चले जाएं वीज़ा लगा के, और दमाम से आज जो बस जाती है मदीना शरीफ मक्का शरीफ तो दमाम से उस बस में बैठ के चले जाएँ। तो इधर से अगर दमाम का देखें तो 10 से 20 दिनार 15-20 दिनार या 25 दिनार ज़्यादा से ज़्यादा भी 25 दिनार लेगा टैक्सी वाला, 20 दिनार नॉर्मली लेगा। तो दमाम से जो पैकेजेस है उसका मुझे कंफर्म नहीं है कि दमाम से कितने पैसे लेते हैं मक्का शरीफ के उमरे के, तो वैसे तो जिस टाइम मैं था 2015-16 में तो रियाज से जो है बस लेती थी 100 रियाल मदीना में या मक्का में लेके जाने का बस की सर्विसेज का उमरे का, तो अभी का मुझे कंफर्म नहीं है कि दमाम से कितने पैसे लेते हैं। तो ये सारा शेड्यूल तरीकाकार था,
जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, इसमें इजी तरीका भी मैंने आपको बता दिया और जो भी दूसरा भी है वो भी सारा बता दिया कैसे जल्दी जा सकते हैं ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।